हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का ये एक्सरसाइज है आपकी 9.1 सर्कल चैप्टर की 9.1 एक्सरसाइज का वन क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है और सारी थ्योरम के लिए अलग अलग मैंने प्रूफ भी डाले हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है 9.1 का। रिकॉल दैट्स टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम रेड आई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, ठीक है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिगर भी मैंने बना दी। तो मैंने दो सर्कल ले लिए, ठीक है, एक ये और एक ये। अब वो हमसे कह रहा है कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ़ दे हैव द सेम रेड आई, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ डैश सी इक्वल्स टू ओ डैश डी, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ, गिवन में हमें जो दे रखा है वो लिख देंगे। गिवन हो गया ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है, एंड ओ डैश सी इक्वल्स टू ओ डी, ठीक है। ये क्या है, सारे के सारे रेडियस है, आर दे रखा है, रेडियस है। तो अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो उनकी रेडियस कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। दूसरी चीज उसने हमें दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स, तो इक्वल कॉर्ड्स क्या दे रखी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक। नेक्स्ट काम हमें प्रूव क्या करना है, इसमें टू प्रूव में लिखेंगे जो हम करना है, हमें करना है एंगल। वो कह रहा है सेंटर पे बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल सेंटर पे, तो ये बना ना ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक। देखो बहुत ही क्लियर चीज़ उसने जो दे रखी है, रेडियस तो अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो सेम रेडियस होने से ही कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे ओ ए आ रहा है और यहाँ से ओ से बी हो गया, तो ओ बी हो गया, ये रेडियस हो गए। यहाँ ओ डैश और सी और ओ डैश और डी, ये क्योंकि सेम रेडियस पे बने हुए हैं तो इसलिए सारे के सारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। दूसरी चीज़ इक्वल कॉर्ड, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी उसमें दे रखा है क्योंकि बोल रखा है, ठीक है। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे इसका, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। देखो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डैश सी डी, ठीक है। दोनों ट्राइंगल ले लिए, अभी मैंने बोला ओ ए इक्वल्स टू ओ डैश सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे ना, ओ डैश इक्वल्स टू ओ डैश सी, दूसरा ओ बी इक्वल्स टू ओ डैश डी, है ना। दोनों के दोनों क्या हैं, रेड आई है, ठीक है, रेड आई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, ठीक। इसलिए दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम। नेक्स्ट चीज़ जो हम लिखेंगे, अब देखो कॉर्ड भी तो इक्वल दे रखी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू सी डी और ये क्या है, गिवन। अब यहाँ पर देखो हमें तीन ही पॉइंट चाहिए अगर किसी चीज़ को हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना, मतलब तो ओ एक ये हो गई, ये क्या है साइड, ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी ये भी क्या है साइड, और ए बी इज इक्वल टू सी डी ये भी क्या है साइड। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ डैश सी डी, ठीक है। कैसे, बाई एस एस एस, एस 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 का मतलब क्या है, बाई साइड 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 साइड, है ना। अब हमें लेकिन प्रूफ करने को क्या बोला उसने, कहा है कि वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो कैसे होंगे, वो इक्वल होने चाहिए। तो बस हम लिख देंगे, जब हमने ट्रायंगल तो प्रूव कर दिए ना कि कॉन्ग्रेंट हैं, तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। कैसे, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल ये हो गया ए, ये हो गया ए ओ बी और ये हो गया सी ओ डैश डी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और फॉलो जरूर।